सभी दर्शकों को देहरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं नरवाना। ये नरवाना तहसील डिस्ट्रिक्ट जींद की है और यहाँ पर ये मेन मार्केट है और यहाँ पर कपड़े की माँ वैष्णो फौजी की दुकान है कपड़े की, जो अभी 3 दिन पहले 2 महिलाओं ने इस दुकान में बहुत बड़ी कपड़े की चोरी करी है और उसकी जो सीसी फुटेज है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ दोस्तों। ये है वो दुकान, देखिए कपड़े की, जिसमें 2 महिला अभी आपको चोरी करते हुए नज़र आएंगी। ये फर्स्ट की क्लिप, ये 2 महिला आई हैं, फिर बताता हूँ, बच्चे को साथ ले रही हैं, ये दुकान के अंदर आ गई हैं। अब देखिए किस तरह की ये घटना को अंजाम देती, धीरे धीरे सूट उठाती हुई। ये सूट देखना, ये ऐसे लपोती है, ये बच्चे वाले ये सूट लपोती है। चार इस तरह इस घटना को इन अंजाम 2 बार दिया है। अब सूट लपो लिए हैं बच्चे की पीछे और अब ये ओनर से बात करते हुए निकल जाएंगी। क्या पीछे ले रही है, तो उसने क्या किया, पहले ही जो मतलब ये धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल रही है। और जो भाई जिन महिलाओं ने इस दुकान में चोरी करी वो देखिए 2 हैं, एक महिला बच्चे को भी ले रही है। तो धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ रही आई थी ना, इसने देख लिया था कि मुझे आगे कौन से सूट लेके जाने थे, क्योंकि एक ये चीज हो गई थी उस टाइम लाइट की वजह से हमारी एलईडी बंद हो गई थी, जबकि कैमरे चल रहे थे हमारे। हाँ जी हाँ, एलईडी बंद हो गई थी तो इस लेडीज ने पहले ये भी देखा कि इनकी कैमरे वगैरह चल रहे हैं नहीं, इसको लगा कि इनके कैमरे नहीं है, एलईडी बंद है उस टाइम। अच्छा, तो दोबारा मतलब आएगा इसका, मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि इसे ये नहीं था कि आइडिया इनके यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ जी। और इसने ये भी देख लिया था कि जो सूट लेके जाने हैं वो पहले ही देख के गई, भाई मुझे आगे कौन से सूट उठाने हैं। हाँ जी। क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट से बंदा जब ही आएगा दोबारा लेने, उसको आइडिया था कि अकेली औरत है, कैमरे है नहीं है, कस्टमर के साथ बीत रही है, तो उसने आते ही वही सूट निकाले जो वो पहले देख के गई। अच्छा जी। हाँ जी। अब ये देखो इसकी माँ है या सास है, जो भी है, ये सूट उठा ले यहाँ से। अच्छा जी। हाँ, अब ये देखो ये उठा लिया जी, इसने सूट ये उठा लिए यहाँ से, इसने सूट। हाँ जी, एक तो नीचे डाल दिया जी, इसने यहाँ पे 3-4 सूट डाल दिए। अच्छा जी। हाँ, ताकि दुकानदार का ध्यान हो उसकी तरफ हो जाए। अभी ये था कि ये मेरे साइड देखेगी ना, तो इसने हाथ में पहले ही सूट उठा रखा है। हाँ जी। मुझे ये सूट दिखाना चाहिए, मुझे यही सूट चाहिए। हाँ जी हाँ। अभी ये देखो, अभी कमेंट में काफी ये भी बोल रहे हैं कि लापरवाही, अभी अकेली लेडीज, ये बताओ उसके पास पहले ही कस्टमर है। हाँ जी। तो वो कस्टमर को अटेंड कर रही है। हाँ, अभी बोलते हैं कि नहीं उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। भाई सूटों के काम में ऐसा होता है, ड्रेसों के काम में होता है कि बॉक्स में से निकाल के देते हैं हम ड्रेस से, लेकिन सूट सबको पता ओपन रखे हैं तो कोई लेडीज आती है तो वो देख लेती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि लेडीज। इसने ये 4-5 सूट नीचे डाल दिए थे, अभी इसने 4 सूट नीचे डाल दिए इस टाइम, ताकि अभी ये देखो दोबारा फिर उस लेडी ने वही काम किया कि बच्चे के नीचे। अच्छा जी। हाँ जी, अभी ये देखो, अभी ये नीचे डाल दिए सूट इसमें। हाँ जी, अभी दूसरी बार आ चुकी जी, दूसरी बार जी। अभी जैसे मेरा उनका ये हो गया कि उनका बिल हो गया, वो लड़कियां जाने वाली हैं, तो इन्होंने जैसे ही मेरा फेस उसकी तरफ हुआ ना, ये देखो मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो ये बोले कि दुपट्टे देख रहे हैं दीदी। हाँ, ये चीजें बोली इन्होंने, ये देखो मेरा अभी इनकी की तरफ फेस है मेरा। अभी जैसे हुआ, अभी देखो बूढ़ी और फिर दोबारा से वही करेगी, ये हो गया भाई उनका बिल फाइनल हो गया। देखो भैया धीरे धीरे ये सूट उठा लिए इस लेडीज ने, बच्चे वाले ने, और ये इसे लपो लिए हैं बच्चे के नीचे। टोटल 8 सूट देगी। हाँ जी। ये दूसरी क्लिप है जो दोबारे सूट उठाए हैं इस बच्चे वाली महिला ने। अब ये देखो मैं फिर सूट के बारे में ही बात करती हूं कि आप इतने में लगा लो। हाँ जी। अच्छा, आपसे रेट पूछ रही है। हाँ जी, इस टाइम भी रेट की वजह से वो बातें कर रही है मेरे से, भाई आप इतने में लगा लो ये चीज़ें। तो ये अब 4 सूट उठा लेंगे। अब 4 सूट पहले और 4 दोबारा सूट, तो टोटल 8 सूट ले गया। तो आपको इस चीज़ की थोड़ी भी भनक नहीं लगी जी? बिल्कुल, ये लगा लो, अगर मैं अकेली होती वो भी, मेरे पास 2 कस्टमर भी थे, उनका भी इस चीज़ का मतलब कोई ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल।
पहले आप FIR दर्ज करवा दो, तो उसके बाद आगे फिर हम देख लेंगे, क्योंकि इस टाइम उनका भी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रह रहा है। तो वो फिर परसों आए थे हमारे यहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने परसों फिर वीडियो बनाई है। तो इन महिलाओं ने कभी पहले भी किसी दुकान पर करी है फिर सुनी आपने? जैसे हम वीडियो देख के बहुत सारे बता रहे कि इन्होंने पहले भी हमारे यहाँ पे ये काम किया, क्योंकि हमारे जान पहचान के हैं अंकल, तो उन्होंने बोला बेटा ये मेरी शॉप पे भी आई है, ये लगा लो काफी साल की बात होगी, इन्होंने तब भी मेरे यहाँ से, उनका रेडीमेड का काम है, कह रहे कि वो जींस वगैरह चोरी करके लेके गए थे। किस नाम से दुकान आपकी? मेरी माँ वैष्णो क्लोथ हाउस के नाम से। और आपका सुरनाम जी? रिंकी जी। रिंकी जी कहाँ से हो? वैसे तो सुदकन से हैं जी, लेकिन काफी सालों से हम नरवाना रह रही है। नरवाना रह रहे हो जी, आपकी खुद की दुकान है ये? नहीं, दुकान हमने किराए पे ली है। किराए पे दुकान जी सर। तो ये जो घटना घटी आपके साथ पहली बार हुई है? पहली बार सर, क्योंकि 7 महीने हो गए हमें यहाँ पे दुकान का काम स्टार्ट किए हुए, तो मतलब ऐसा पहली बार हो गया। इससे पहले कभी भी मतलब 1 रुपए तक का भी नुकसान नहीं हुआ था जी हमारे। ठीक है जी, हम तो यही कहेंगे एक प्रेस की माध्यम से ध्यान रखा करो कस्टमर का। बस वही है जी, आगे से मतलब एक लगा लो, कोई भी आम कस्टमर आएगा जी, अभी उस पे भी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया जी। लेकिन उसमें तो दूसरे की तो गलती नहीं है जी, लेकिन इन औरतों की वजह से ये है कि दूसरे पे भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है जी इस टाइम। धन्यवाद।